गुमला जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं कहीं पेड़ गिर गया तो कहीं तेज और लगातार बारिश से आरसीसी पुल भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। पुल बह जाने के कारण लगभग 25,000 लोगों का मुख्यालय से संपर्क टूट गया। गांव को मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क भी बह गई। पक्की सड़क अब नाला में तब्दील हो गई है। कई जगहों में बारिश का पानी जमाव होने से यातायात भी बंद हो गया। जगह जगह पानी जमाव, गड्ढे, कच्चा रास्ता भी खराब हो गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को, आसपास क्षेत्र के ग्रामीण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि जिला मुख्यालय सहित जिले में लगातार बारिश से अन्य प्रखंड में भी जल जीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है। कहीं तेज हवा के साथ बारिश हुई तो कहीं लगातार तेज बारिश से घर भी धस गया, जिससे तबाही का मंजर आम लोगों को अस्त व्यस्त कर दिया। सड़क के हालात बद से बदतर हो गई। इधर आसपास के क्षेत्र और प्रखंड के कुछ स्थानों से आई यह तस्वीरें यह तबाही का मंजर बयां कर रही हैं, जिससे अब आम लोगों की समस्या को बढ़ा दिया है। वहीं नदी का जल स्तर बढ़ने के बाद से कई गांव टापू बन गए हैं। लोगों का मुख्यालय से संपर्क टूट गया। हालांकि लगातार बारिश के कारण लोग घरों में रहे, इस दौरान कोई बड़ी घटना की सूचना नहीं है।